हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वो 1962 के आसपास के समय पर बेस्ड मूवी है, जिस वक्त अमेरिका में काले और गोरे लोगों के बीच बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। इस फिल्म का नाम है द ग्रीन बुक। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें न्यूयॉर्क सिटी के एक नाइट क्लब को दिखाया जाता है और इस नाइट क्लब में एक टोनी नाम का बाउंसर भी काम करता है। कुछ समय बाद क्लब में दो लोग आपस में झगड़ने लगते हैं और टोनी अपना काम करते हुए उनमें से जिसकी गलती होती है उसे क्लब से बाहर निकाल देता है। अब हमें क्लब क्लोजिंग के टाइम पर टोनी और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जहाँ टोनी को पता चलता है कि अब ये क्लब बंद होने वाला है और उसे कोई नई जॉब ढूंढनी होगी। फिर टोनी अपने घर आकर सो जाता है। अगले दिन टोनी जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि दो काले आदमी उसके घर में आए हुए होते हैं और उसकी वाइफ उन्हें घर के ग्लास में जूस सर्व कर देती है। उन दोनों के जाने के बाद टोनी चुपके से उन दोनों ग्लास को डस्टबिन में डाल देता है। दरअसल टोनी भी उन लोगों में से होता है जो काले और गोरे लोगों के बीच भेदभाव किया करते थे। थोड़ी देर बाद टोनी को कहीं से कॉल आता है और उसमें टोनी को ड्राइवर की जॉब के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। टोनी को जॉब की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो इंटरव्यू देने चला जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि उसका इंटरव्यू लेने वाला आदमी एक काला आदमी होता है और वो सूट बूट पहनकर वहाँ खड़ा होता है। ये देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि 1962 के समय अधिकतर काले लोग गरीब और नौकर की तरह ही समझे जाते थे। इस आदमी का नाम होता है डॉक्टर डॉन शर्ली। टोनी डॉक्टर शर्ली को बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं देता है, लेकिन उसे जॉब की ज़रूरत होती है इसलिए वो इंटरव्यू दे देता है। डॉक्टर शर्ली टोनी से कहते हैं कि मुझे ड्राइवर के साथ साथ एक पर्सनल असिस्टेंट की भी ज़रूरत है। ये बात सुनते ही टोनी उसे मना करता है और कहता है कि मैं ड्राइवर की जॉब के लिए आया हूँ। ये कहते हुए वो वापस अपने घर आ जाता है। रात को टोनी इंटरव्यू के बारे में अपनी वाइफ को बताता है और कहता है कि उसे डॉक्टर शर्ली बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। अब अगली सुबह टोनी को डॉक्टर शर्ली कॉल करते हैं और ड्राइवर की जॉब के लिए अपॉइंट करते हैं। टोनी जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे डॉक्टर शर्ली अच्छे पैसे ऑफर करते हैं। अब टोनी डॉक्टर शर्ली के घर आता है, जहां उसे डॉक्टर शर्ली कार की चाबी और एक बुक देते हैं जिसका नाम होता है ग्रीन बुक। दरअसल डॉक्टर शर्ली एक बहुत ही अच्छे पियानो वादक होते हैं और इसी वजह से उन्हें अलग अलग शहरों में जाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है। 1962 के समय काले लोग ऐसे ही हर किसी होटल में रुक नहीं सकते थे, इसीलिए डॉक्टर शर्ली टोनी को ग्रीन बुक देते हैं जिसमें उन सभी होटल्स और रेस्टोरेंट्स के नाम होते हैं जहां काले लोग बिना किसी असुविधा के ठहर सकते हैं। डॉक्टर शर्ली के साथ उनके दो साथी भी चलेंगे, जो डॉक्टर शर्ली की कार के पीछे दूसरी कार में आएंगे। अब डॉक्टर शर्ली जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन टोनी उनके लगेज को उठाकर कार में नहीं रखता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर का एक नौकर आकर उनके लगेज को कार में रख देता है। अब वो दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। टोनी को स्मोकिंग करने की आदत होती है, इसीलिए वो सफर के दौरान भी स्मोकिंग करता है, तो डॉक्टर उसे स्मोकिंग करने से मना करता है। इस दौरान टोनी डॉक्टर के साथ काफी अकड़ू बनकर रहता है। अब वो दोनों अपने पहले डेस्टिनेशन यानी पेंसिल्वेनिया पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर का पहला परफॉर्मेंस होगा। परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले एंकर डॉक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देता है, जहां हमें और टोनी को पता चलता है कि डॉक्टर शर्ली को आखिर डॉक्टर क्यों कहा जाता है। डॉक्टर शर्ली ने साइकोलॉजी, म्यूजिक और आर्ट्स के फील्ड में डॉक्टरेट हासिल की होती है। और भी हमें उनकी काफ़ी उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है, जैसे कि वो दो बार व्हाइट हाउस में भी परफॉर्म कर चुके हैं। इसके बाद डॉक्टर पियानो बजाना शुरू करते हैं और वो इतना बेहतरीन पियानो बजाते हैं कि टोनी का भी प्रस्पेक्टिव उनके प्रति चेंज होने लगता है और टोनी के मन में भी डॉक्टर के प्रति रिस्पेक्ट अपने आप ही बन जाती है। डॉक्टर के परफॉर्मेंस से सब बहुत खुश होते हैं। इसके बाद डॉक्टर गेस्ट से ग्रीटिंग करने चले जाते हैं। दूसरी तरफ टोनी बाहर आकर जुआ खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं और टोनी को जुआ खेलते हुए देखते हैं तो उन्हें बुरा लगता है और वो टोनी को बोलते हैं कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मुझे बोल सकते हो। टोनी कहता है कि मुझे पैसे मांगना नहीं, कमाना पसंद है। अब हमें अगले दिन टोनी और डॉक्टर शर्ली को दिखाया जाता है, जहां अब टोनी और डॉक्टर शर्ली के बीच थोड़ी थोड़ी बातें होना शुरू हो चुकी होती है। थोड़ी दूर जाने के बाद टोनी गाड़ी रोकता है और वहां की एक शॉप से खाना लेने जाता है। जब टोनी वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि रंग बिरंगे पत्थरों के कलेक्शन वाले जार से एक पत्थर नीचे गिर गया होता है। वो उस पत्थर को उठाकर अपनी पॉकेट में रख लेता है। टोनी जब पत्थर को अपनी पॉकेट में रख रहा होता है तो उसे डॉक्टर का एक साथी ऐसा करते हुए देख लेता है और वो डॉक्टर शर्ली से जाकर उसकी शिकायत कर देता है। डॉक्टर शर्ली उसूलों का पक्का इंसान है। जब टोनी कार के पास आता है तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें पत्थर नहीं चुराना चाहिए था।
टोनी कहता है कि मैंने उसे नहीं चुराया है, मुझे तो वो नीचे गिरा हुआ मिला है। डॉक्टर शर्ली इस बात पर नाराजगी दिखाते हैं, इसीलिए टोनी आखिरकार उस पत्थर के पैसे दुकानदार को देकर आता है। इस बात से टोनी बहुत नाराज होता है। अब शाम हो जाती है और वो दोनों अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर शर्ली जब होटल में जाते हैं तो टोनी उनके कॉन्सर्ट वाली जगह पर आता है। वहां पर वो देखता है कि डॉक्टर शर्ली के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं होती है और साथ ही साथ वहां पर रखा पियानो भी बहुत गंदा होता है। टोनी वहां के एक वर्कर को पियानो साफ करने को बोलता है तो वो वर्कर बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है, वो पियानो खड़े होकर बजा लेंगे और अगर तुम्हें ज्यादा ही तकलीफ हो रही है तो तुम खुद ही क्यों नहीं साफ कर लेते। ये बात सुनते ही टोनी को गुस्सा आता है और वो उस वर्कर को जोरदार पंच मारता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर शर्ली को एक ब्रांड न्यू पियानो बजाते हुए दिखाया जाता है। टोनी और सारी ऑडियंस उनकी धुन को एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद सफर का सिलसिला ऐसे ही चलता है और धीरे धीरे टोनी और डॉक्टर शर्ली अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। अब वो दोनों डॉक्टर की नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए केंटकी नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर अपने होटल रूम में बोर हो रहे होते हैं, इसीलिए वो बाहर टहलने के लिए उसी होटल के बार में आ जाते हैं। वहां पर मौजूदा कुछ गोरे लोग एक ब्लैक आदमी को सूट वूट पहना देखकर उसे मारने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि डॉक्टर शर्ली ने यह सूट कहीं से चुराया होगा। तभी वहां टोनी आ जाता है और उन लोगों को गन की धमकी देकर डराता है। ऐसा करके वो डॉक्टर को वहां से बचाकर ले आता है। बाहर आकर वो डॉक्टर से बोलता है कि अब तुम कहीं भी अकेले नहीं जाओगे। डॉक्टर शर्ली टोनी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास सच में गन है, जिस पर टोनी उन्हें साफ मना कर देता है। फिर डॉक्टर वहां पर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं और फिर वो दोनों वहां से अपने अगले सफर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक जगह पर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है जहां पर चारों तरफ कोई भी रिपेयरिंग शॉप नहीं होती है, इसीलिए टोनी गाड़ी को खुद ही सही करने लग जाता है। उसी दौरान डॉक्टर शर्ली भी गाड़ी से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। ये दृश्य वहां के कुछ किसान देख रहे होते हैं और उन्हें इस बात से बहुत हैरानी हो रही होती है कि कैसे एक काला आदमी सूट पहनकर खड़ा है और एक गोरा आदमी उसके लिए काम कर रहा होता है। दरअसल ऐसा दृश्य उस समय पर देखने को नहीं मिलता था। अधिकतर काले लोग गोरे लोगों के नौकर हुआ करते थे। थोड़ी देर में टोनी कार सही कर देता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब वो दोनों नॉर्थ कैरोलिना पहुंच जाते हैं जहां डॉक्टर अपना नेक्स्ट परफॉर्मेंस देते हैं। परफॉर्मेंस के बाद उन्हें डिनर पर इन्वाइट किया जाता है। डिनर के बाद जब डॉक्टर वॉशरूम का यूज करने जा रहे होते हैं तो वहां का मैनेजर उन्हें वॉशरूम यूज करने से मना करता है और उन्हें होटल के बाहर एक घटिया से टॉयलेट को यूज करने को बोलता है। डॉक्टर शर्ली ऐसा करने से मना करते हैं लेकिन मैनेजर उनकी बात नहीं मानता। ये बात जब टोनी को पता चलती है तो उसे भी बहुत बुरा लगता है लेकिन डॉक्टर के साथ ही उसे कोई भी सीन क्रिएट करने से मना करते हैं। अगली सुबह टोनी अपनी वाइफ को हमेशा की तरह एक लेटर लिख रहा होता है, तभी डॉक्टर शर्ली उसे पढ़ते हैं तो वो बहुत ही घटिया लेटर होता है जिसमें टोनी ने लिखा होता है कि मैंने अपने सॉक्स धो लिए हैं और टीवी पर उन्हें सुखा दिया है। फिर डॉक्टर टोनी को एक बहुत ही शानदार लेटर लिखने में मदद करता है जो कि टोनी की वाइफ को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब वो दोनों नेक्स्ट कॉन्सर्ट के लिए जॉर्जिया पहुँच जाते हैं। कॉन्सर्ट में अभी टाइम होता है इसीलिए वो दोनों वॉक पर निकल जाते हैं। रास्ते में डॉक्टर को एक सूट बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब वो दोनों सूट लेने अंदर जाते हैं तो शॉप ओनर को लगता है कि टोनी को वो सूट खरीदना है, इसीलिए वो सूट टोनी को ट्राई करने के लिए दे देता है। टोनी जब वो सूट डॉक्टर शर्ली को देता है तो शॉप ओनर डॉक्टर से वो सूट वापस छीन लेता है। ये बात टोनी और डॉक्टर को बहुत बुरी लगती है लेकिन वो कुछ भी कहे बिना वहां से चले जाते हैं। अब डॉक्टर की परफॉर्मेंस होती है और टोनी अपने होटल रूम में आ जाता है। आधी रात को टोनी के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है तो टोनी तुरंत भागता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां पर पुलिस ने डॉक्टर को काले होने की वजह से एक क्रिमिनल की तरह जेल में पटक रखा होता है। उन्होंने डॉक्टर को बहुत बुरी तरह मारा भी होता है। वहां पर टोनी बड़ी ही चालाकी से उन पुलिस वालों को रिश्वत देकर डॉक्टर को वहां से छुड़ाकर ले आता है। टोनी को रिश्वत देते हुए डॉक्टर भी देख लेते हैं। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती और इस बात पर उन दोनों के बीच कहासुनी भी हो जाती है। अगले दिन वो दोनों नेक्स्ट कॉन्सर्ट के लिए टेनेसी पहुंच जाते हैं। जब वो होटल पहुंचते हैं तो वहां टोनी को उसके कुछ दोस्त मिल जाते हैं। डॉक्टर होटल के अंदर चले जाते हैं तो टोनी के दोस्त टोनी से पूछते हैं कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा पैसे देने वाली जॉब ऑफर करवा सकता हूँ, तुम्हें एक काले आदमी के लिए काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन टोनी उनसे कहता है कि मुझे डॉक्टर शर्ली के लिए ही काम करना है और मैं यहाँ काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा रहा हूँ। फिर टोनी के फ्रेंड्स उसे रात को ड्रिंक पर भी बुलाते हैं। रात होने पर टोनी
अपने दोस्तों के पास जाने लगता है तो डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। टोनी कहता है कि बस मैं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक लेने जा रहा हूँ। फिर डॉक्टर टोनी से कहते हैं कि तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए तुम मुझे बोल सकते हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक अच्छी पोस्ट भी दे सकता हूँ। तो इस बात पर टोनी कहता है कि मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए और मैं अपने वादे के मुताबिक आपको 2 महीने से पहले कहीं भी छोड़कर नहीं जाने वाला। डॉक्टर शर्ली पिछले रात के झगड़े के लिए भी टोनी से सॉरी बोलते हैं और फिर वो दोनों सारी रात बैठकर ड्रिंक करते हैं और काफ़ी सारी बातें भी करते हैं। अब वो दोनों काफ़ी अलग जगहों पर कॉन्सर्ट करने जाते हैं। उन दोनों के बीच अब फ्रेंडशिप का बहुत अच्छा बॉन्ड भी बन गया होता है। अब क्रिसमस भी आने वाला होता है। दरअसल टोनी और डॉक्टर शर्ली का कॉन्ट्रैक्ट भी क्रिसमस तक का ही होता है। अब वो दोनों डॉक्टर के आखिरी कॉन्सर्ट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बहुत तेज बारिश हो रही होती है, तभी पुलिस इनकी गाड़ी को रोक लेती है और एक काले आदमी को गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठा देखकर और गोरे आदमी को उनकी कार चलाता हुआ देखकर केवल इसी कारण से उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। डॉक्टर शर्ली पुलिस वालों से अपने लॉयर से बात करने की अपील करते हैं तो वो डॉक्टर को कॉल करने की परमिशन दे देते हैं। थोड़ी ही देर बाद पुलिस स्टेशन में एक हायर ऑफिसर का कॉल आता है जो तुरंत डॉक्टर और टोनी को रिलीज करने को बोलता है और उन्हें सही सलामत उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का ऑर्डर भी देता है। इस तरह इस बार डॉक्टर अपने आप को और टोनी को मुसीबत से बाहर निकालते हैं। अब वो दोनों डॉक्टर के लास्ट इवेंट के लिए बर्मिंगम पहुंच जाते हैं। वहां पर उन दोनों का स्वागत तो बहुत अच्छे से किया जाता है, लेकिन डॉक्टर को कॉन्सर्ट के लिए कपड़े चेंज करने के लिए एक रूम तक प्रोवाइड नहीं किया जाता। डॉक्टर को एक स्टोर रूम में कपड़े चेंज करने को बोला जाता है। ये बात टोनी को बहुत बुरी लगती है। अब उन्हें डिनर के बाद परफॉर्म करना होता है, लेकिन जब डॉक्टर और टोनी डिनर रूम में जाते हैं तो उन्हें वहां जाने से मना किया जाता है। हालांकि वहां पर नौकरों तक के खाने का इंतजाम होता है, लेकिन काला आदमी होने की वजह से डॉक्टर को वहां जाने से मना किया जाता है। टोनी उनसे बहुत बहस करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वो दोनों अपनी कार में आकर बैठ जाते हैं। वहां पर डॉक्टर टोनी से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लग रही है। टोनी बोलता है कि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। इसके बाद डॉक्टर और टोनी एक नीग्रो रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो दोनों वहां पर काफी ज्यादा मजे करते हैं। डॉक्टर उस रेस्टोरेंट के पियानो को भी बजाते हैं जिससे सभी लोग झूम उठते हैं। उसी रेस्टोरेंट में 2 लोग डॉक्टर को लूटने की भी कोशिश करते हैं तो टोनी अपनी गन निकाल कर उन्हें वहां से भगा देता है। इस पर डॉक्टर शर्ली कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम्हारे पास गन है। अब वो दोनों वापस अपने शहर न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि टोनी की फैमिली टोनी का क्रिसमस पर बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। रास्ते में काफी ज्यादा बर्फ गिर रही होती है। टोनी को रास्ता साफ दिख भी नहीं रहा होता, पूरी रोड पर बर्फ जम चुकी होती है। दरअसल डॉक्टर ने टोनी से वादा किया होता है कि वो टोनी को क्रिसमस पर उसके घर पहुंचा देंगे, इसीलिए वो टोनी को इतनी बर्फ होने के बावजूद भी गाड़ी चलाते रहने को बोलते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद पुलिस उनकी गाड़ी को रुकवा लेती है। टोनी को लगता है कि वो फिर से उन्हें जेल में डालने वाले हैं, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर टोनी को गाड़ी के टायर पंक्चर होने के बारे में बताता है। टोनी गाड़ी का टायर चेंज करता है और ऑफिसर को थैंक्स बोलकर वहां से निकल जाता है। टोनी काफी ज्यादा थक चुका होता है। वो डॉक्टर को बोलता है कि मेरी आंखों में अब काफी ज्यादा दर्द होने लगा है, हमने अपनी तरफ से वहां पहुंचने की पूरी कोशिश की। इसके बाद हमें टोनी के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां डॉक्टर की गाड़ी आकर रुकती है। हम देखते हैं कि डॉक्टर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर होते हैं और टोनी पीछे की सीट पर सो रहा होता है, यानी डॉक्टर ने टोनी को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा किया। इसके बाद डॉक्टर शर्ली टोनी को उठाते हैं और उसे मैरी क्रिसमस बोलकर वहां से जाने लगते हैं। टोनी उन्हें घर पर भी इन्वाइट करता है, लेकिन डॉक्टर वहां से चले जाते हैं क्योंकि डॉक्टर को लगता है कि अगर वो टोनी के घर जाएंगे तो शायद उनकी फैमिली को एक काला आदमी अच्छा ना लगे। इस बात से टोनी थोड़ा उदास हो जाता है। अब टोनी अपने घर जाता है जहां सब लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। टोनी अभी भी कहीं ना कहीं निराश फील कर रहा होता है, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और जब टोनी गेट खोलता है तो वहां डॉक्टर शर्ली एक शैंपेन की बोतल हाथ में लिए खड़े होते हैं। टोनी इस बात से बहुत खुश होता है और डॉक्टर को गले लगाकर उन्हें मैरी क्रिसमस विश करता है। इसके बाद वो डॉक्टर को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिस पर सब डॉक्टर के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। टोनी की वाइफ डॉक्टर शर्ली को मैरी क्रिसमस विश भी करती है और उन्हें थैंक्स भी बोलती है क्योंकि उन्होंने टोनी को लेटर लिखने में बहुत मदद की होती है। इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। यह एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। आई होप आपको ये मूवी और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।